आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तथा बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहारी लाल का जीवन परिचय सबसे आसान तरीके से, और बिहारी लाल के जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। और यह कह लीजिए कि आप कि बिहारी लाल का यदि आपको जीवन परिचय याद करना है तो आपको कौन कौन से बिंदुओं को याद करना पड़ेगा, या आप कह लीजिए जीवन परिचय याद करते समय आपको कौन कौन से बिंदुओं को याद करना होता है, या ट्रिक्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहारी लाल का जीवन परिचय, और बिहारी लाल के जीवन परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहारी लाल को रीत काल का महान कवि या महान कलाकार कहा जाता है। और बिहारी लाल का जन्म कब हुआ, तो बिहारी लाल का जन्म कब हुआ, बिहारी लाल का जन्म हुआ था सन 1603 ईस्वी में हुआ था। बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था, सन 1603 ईस्वी में हुआ था। और बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ था, बिहारी लाल का जन्म हुआ था, आपको बताना है कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर के निकट, ग्वालियर के निकट जो ग्वालियर है उसी के निकट पर एक स्थान था या एक ग्राम था, कौन सा, बसुआ गोविंदपुर, बसुआ गोविंदपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था, सन 1603 ईस्वी में हुआ था। और बिहारी लाल को रीत काल का महान कलाकार या रीत काल का महान कवि, रीत काल का महान कलाकार कहा जाता है। किसको, बिहारी लाल को रीत काल का महान कलाकार या महान कवि कहा जाता है। और अगला बिंदु आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जन्म कब हुआ, सन 1603 ईस्वी में हुआ, और कहाँ हुआ तो आप बताएंगे या आपको याद रखना है कि ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ। और तीसरा बिंदु आपको क्या याद रखना है, तीसरा बिंदु इनके पिता का नाम, बिहारी लाल के पिता का नाम क्या था, तो बिहारी लाल के पिता का नाम क्या था, केशव राम था। इनके पिता का नाम क्या था, केशव राम था। और बिहारी लाल के गुरु का क्या नाम था, बिहारी लाल के गुरु का नाम था, गुरु का नाम, बिहारी लाल के गुरु का नाम क्या था, आचार्य केशव दास। और आचार्य केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। जब मैं इनके बारे में बताऊंगा, इनकी रचनाओं के बारे में, तो आपको विस्तार से बता दूंगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बिहारी लाल के गुरु का क्या नाम था, आचार्य केशव दास नाम था। और आपको मैं बता दूं कि ये जो है अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे थे युवावस्था में, लेकिन बिहारी लाल को युवावस्था में अपनी ससुराल में उचित सम्मान नहीं मिला, तभी से ये राजा कन्नौज के जो राजा थे मिर्जा जय सिंह के दरबार में रहने लगे, और वहाँ इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। और साथ ही साथ राजा जय सिंह इन्हें प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी दान में देते थे। और इन्होंने जब राजा जय सिंह अपने राजपाट के मार्ग से या अपने धर्म के मार्ग से विचलित हो गए, तब इन्होंने राजा जय सिंह को सही मार्ग दिखाया था। और अब आपको क्या ध्यान रखना है कि बिहारी लाल की मृत्यु कब हुई, तो बिहारी लाल की मृत्यु कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है सन 1663 ईस्वी में
बिहारी लाल की मृत्यु हो गई। अंतिम और आखिरी बिंदु आपको ध्यान रखना है कि बिहारी लाल की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो बिहारी लाल की मात्र एक रचना है, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, जिसमें कितने दोहे हैं आपको याद रखना है। कई किताबों में कई तरह से लिखा होता है। और करेक्ट आंसर क्या है कि बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। यह भी आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 719 दोहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बिहारी लाल के जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं या महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में बताया कि इनका जन्म कब हुआ। सन 1603 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर। सन 1603 ईस्वी ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर। और पिता का नाम केशवराम और गुरु का नाम क्या था? आचार्य केशवदास। तथा इनकी मृत्यु कब हो गई बिहारी लाल की? 1663 ईस्वी में हो गई। और बिहारी लाल की प्रमुख रचना, जो एकमात्र रचना है जिसके कारण ही ये रीतकाल के महान कलाकार बिहारी लाल को कहा जाता है। और इनकी रचना कौन सी है? बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। और यदि आप इनका संपूर्ण जीवन परिचय से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां पर क्लिक करके इनका संपूर्ण जीवन परिचय लिख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।